गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद खुशबू सिंह। आज तीज है, आप सभी लोगों को तीज बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरे हाथों में लग गई है मेहंदी, दोनों हाथों में मैंने मेहंदी लगवा लिया है। इसमें यहाँ पे इनका नाम लिखवाया है और यहाँ पे मैंने लिखवाया है सौभाग्यवती भवा। तो कैसा आया है कलर पीछे, और इधर थोड़ा सा जो मेहंदी लगाने वाली आई थी उनसे थोड़ा सा गलती हो गया, उन्होंने इतना स्पेस साइड में छोड़ दिया है, तो अभी देखते हैं। बट ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बज रहा है दोपहर के 2 और थोड़ी देर के बाद से हम लोग नहाएंगे, रेडी होंगे और तीज की सारी तैयारियों में अब लग गए हैं हम लोग। तो आप लोगों ने तीज की पूजा कब की, कितने बजे की? बहुत जगह पे ये बोला जा रहा है कि तीज सुबह ही था, 6 से 8 बजे तक। बहुत जगह बोला जा रहा है कि 3 बजे तक था। हमने ये सोचा है कि हम जैसे हर बार करते हैं प्रदोष काल में शंकर जी की पूजा करते हैं, माँ पार्वती की करते हैं, वैसे ही हम लोग इस बार भी करेंगे। तो बस, तो अभी इसलिए नाइटी में दिख रहे हैं आपको और थोड़ी देर के बाद अब जाएंगे, नहाएंगे, रेडी हो जाएंगे, तो सुंदर सुंदर लगेंगे। और आप लोग को तीज बहुत बहुत मुबारक हो। और फिर बहुत ही दुख के साथ ये मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरे हस्बैंड आए थे लेकिन कल उनकी छुट्टी पूरी हो गई। जिस दिन तीज का नहाए खाए था, 5 तारीख था, उस दिन इनकी छुट्टी पूरी हो गई और ये इनको जाना पड़ा अपनी ड्यूटी पे वापस। तो मन बहुत दुखी भी है, लेकिन सुहाग का व्रत है तो तीज की अपनी एक अलग खुशी होती है। हर औरत के मन में होती है, तैयार होना है, सजना है, ये पहनना है, वो पहना है, ऐसे रेडी होंगे। मतलब ये हफ्ता महीने भर पहले से घर में बातें स्टार्ट हो जाती हैं, कौन क्या पहनेगा, कौन कैसे तैयार होगा, किसके पास क्या है नहीं है। तो ये सारी तैयारियां हमारी बहुत लंबे टाइम से चलती हैं, इसलिए तीज एक त्यौहार नहीं, एक इमोशन होता है हमारे लिए। तो इसलिए खुशी भी है और दुख भी है, दोनों का मिक्सअप चल रहा है मन में, थोड़ा खुशी थोड़ा दम वाला सिचुएशन है। लेकिन कोई नहीं, व्रत तो करना है और भगवान उनकी आयु, वो जहाँ पर रहें वहाँ पर उनकी आयु लंबी करें, उनको मेरी उम्र भी दे दें। और आप सब भी अपने पति के लिए ऐसी मनोकामना करते होंगे और ऐसे ही आप लोग भी हर्षोल्लास से त्यौहार मना रहे होंगे, इसी में आशा करती हूँ। और फिर अब अपना तीज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने मंगाया है ब्लिंकिट से शीट मास्क, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मुझे याद आया, तो फिर ये ऐप जो 10 मिनट में सामान दे जाता है, तो मैंने ब्लिंकिट से भी शीट मास्क मंगाया है, ये रहा। और यहाँ पर सारा सामान इकट्ठा करके रख दिया है, अब नहाएंगे, रेडी होंगे। ये शीट मास्क मंगाया मैंने, गार्नियर का विटामिन सी सीरम मास्क। और अभी मैंने लिया है फेस वॉश हाथ पे, और मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ मामा अर्थ का टी ट्री फेस वॉश। तो बस अभी जा रही हूँ, पहले फेस वॉश करते हैं और फिर इसके बाद लगाएंगे अपना सीरम, और उसके बाद फिर नहाएंगे, फिर रेडी होंगे, फिर धीरे धीरे अपने काम में लग जाएंगे। तो हेलो गाइस, अभी आप देख रहे हैं ब्लॉग विद खुशबू सिंह का चैनल। तो अभी मेरी मम्मी जा चुकी है नहाने, तो अभी देखते हैं दादी यहाँ क्या कर रही हैं। दादी क्या कर रही हैं, क्या बना रही हैं दादी यार? फुलेरे बना रही हूँ भोले बाबा पर टांगने के लिए। आज तीज के दिन जो फुलेरा टांगता है वो उसका हवात अमर रहता है, उस वाती भवन रहती है, वो उसका हवात अमर रहता है। ये 5 फुलेरे देखने से पति के और दुआएं भी बढ़ता है। अच्छा, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, यहाँ पे है हमारा मंदिर, यहाँ पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कान्हा जी हैं यहाँ बैठे हैं, तीज का त्योहार है, इसमें सब स्त्री भोले बाबा के व्रत करती हैं। तो गाइस, मैं नहा के आ गई हूँ और तब तक आप लोगों ने देखा आयुष ने अपनी दादी का वीडियो बनाया है, दादी क्या कर रही हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि तब तक मैं अपना ये शीट मास्क लगा लेती हूँ और उसके साथ साथ जो काम है वो करते रहूँगी, तो तब तक मेरा ये भी सूट जाएगा। तो ये है गार्नियर का ब्राइट कंप्लीट शीट मास्क। भूत भूत ओए ओए, अदो बदी बदो बदी, नैना मिले कभी कभी, अदो बदी बदो बदी, हैप्पी तीज। चलिए फिर इसको रिमूव करने के बाद आपसे मिलते हैं। हाँ
अभी हम लोग कर रहे हैं घर में पूजा और मैं रेडी हो चुकी हूँ। कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है क्या? हीरोइन जैसी लग रही है, हीरोइन के तरह लग रही हूँ। और अब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं गौरी गणेश जी की पूजा और शंकर जी की पूजा, फिर हम लोग जाएंगे मंदिर, मंदिर से आके फिर आप लोग को दिखाएंगे। हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू, सब लोगों को तीज बहुत बहुत मुबारक हो। सारा सुहाग का सामान छूने के बाद हम लोग यहाँ पे सास बहू दोनों लोग पानी पीने बैठ गए, क्योंकि हमारे यहाँ रात को 10:30-11 बजे तक पानी पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं और फ्रूट खा लेते हैं। तो बस वही हम करने के लिए हम दोनों लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जो एक स्पेशल एक सत्तू बनता है, आटा तैयार होता है चावल का, तो वो हम लोग अभी नहीं खाएंगे, आज नहीं खाएंगे, वो हम लोग खाएंगे अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग में, क्योंकि उसको खाने के बाद ही हमारा व्रत जो है वो खुलता है, मतलब व्रत हम तोड़ते हैं। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब 7 तारीख की सुबह। और यहाँ पे 5 बार अपने आँचल में वो सत्तू लेना होता है और फिर उसको 5 बार पहले मुँह में डालना होता है, और उसके बाद फिर आप पानी वगैरह पीजिए, चाहे जो भी चाय पीजिए, जो भी कीजिए। तो ये हम यहाँ पे बैठ करके, दोनों माँ ऊपर सोफ़ा पे बैठ गई थी और यहाँ पे मैं बैठ गई थी नीचे, और फिर हम लोग अब खोलेंगे अपना व्रत। तो मैंने ये शूट कर लिया क्योंकि मुझे आप लोग को दिखाना था कि हमारे बिहारी रीति रिवाज, हमारे तीज त्यौहार कैसे होते हैं। वैसे तीज का मैंने हर साल मैं व्लॉग डालती हूँ और हर साल मैं व्लॉग बनाती हूँ, और खूब सारे मैंने शॉर्ट्स डाले हैं यूट्यूब चैनल पे अपने, और इंस्टा पे भी मैंने अपने बहुत सारे रील्स वगैरह शेयर किए हैं। तो अगर आप लोगों ने वहाँ पे मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ पे भी मुझे फॉलो कीजिए। और बस यहाँ पे मैं 5 बार सत्तू भी मुँह में डाल रही हूँ और फिर हम लोग पियेंगे पानी, और बस इसके साथ ही हमारा तीज का व्रत जो है वो सम्पन्न हुआ। तो अभी आप लोगों ने एक छोटा सा क्लिप देखा, ये मॉर्निंग का है, तीज के दिन सुबह में हम लोग 3-4 बजे उठ के, और फिर तब हमारे यहाँ चावल का जो आटा बनता है, सत्तू बनता है, उसको हम लोग फांकते हैं, फांकते बोलते मतलब या खाते हैं, तो उससे जाके हमारा व्रत जो है वो टूटता है। तभी व्रत हमारा पूरा हो चुका है, हमने अपना व्रत खोल लिया है और तीज हमारा संपन्न हो गया, तीज की पूजा पाठ सब कुछ। कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी लोगों को हैप्पी तीज, भगवान तीज माता भोले बाबा माँ पार्वती ऐसा करें कि हम लोग हर साल सारी सुहागने तीज का त्यौहार मनाएं, और अब अगले साल की तीज का इंतजार है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।